इतना बड़ा मोटर होम चलाने के बाद चूहा चलाना भी बड़ा अजीब लग रहा है बट uh, अब जा रहे हैं जी विचार विमर्श के लिए डिस्कशन और सारी अपडेट्स के लिए माताजी श्री के पास अपनी वाइफ के साथ हैं हेलो हेलो बॉक्स रेटिंग माय ब्रदर फ्रेंड द डोर इज ओपन Nu kommer vi inte med. Och jag syns det. माता जी की झपकी लगी थी बस उठ के चेंज करके आ रही हैं। ओए राजमा चावल यार अरे माता जी उतर गई आई हैं आई आइए आसमान से देवी उतर रही हैं तो देखो बताया तो यही गया कि भाई धरती पे भगवान के का रूप माँ होती है ना <laughs> Di, di <laughs> मैया जी, चावल बने हुए अभी तो खाना नाश्ता करके आए हम अब टोस्ट खाए अभी थोड़ी देर पहले ही खाए अभी लेट खाया आज खाना अच्छा बैठी बैठी बना दिए थोड़े कर दिए मनी भी आएगा तो चावल थोड़े और बना आ, आ गए yeah, yeah. आ, आ गए हाँ जी आ गए हाँ बैठिए ये, ये इसका मेरे को फोन है मैं वो कहता जो अपना तो सस्ता वाला हेलमेट है वो लेता ही हो वो मैं लाना भूल गया पर मैं यहाँ पे तो अपना क्लाइम का हेलमेट छोड़ गया था तो मैंने कहा इसको सस्ता वाला क्यों चाहिए कहता भाई ये रिस्क की बहुत मैं ऐसे रिस्क ले सकता <laughs> पे इसका खुल तो फिर क्या फायदा अरे भाई साहब वो हेलमेट है बम थोड़ी है जो अपने पड़ा-पड़ा फट जाएगा बड़े बड़ी बात नहीं है मिस आ, हैंडलिंग हो जाएगा हाथ से छूट जाए कोई बात नहीं मिस हैंडलिंग हो जाए हाथ से छूट जाए मान ले तू जा रहा है कोई गाड़ी तेरे को मार दे रस्ते में कुछ हो जाए जिस काम कर लिया इसलिए अब ये पहन के जाए आप छोड़े पैसों वैसों के बात जो भी होगा गिर गया गिर गया बाधाएगा कोई बात नहीं हो तो मैंने लैपटॉप दे दिया स्लाइड आउट के अंदर तेरे से हेलमेट गिर गया तो कौन सी बड़ी बात है तो इसलिए जब किस्मत खराब है वो तो वैसे ही ऊंट पे बैठे

Mummy is saying your tea is ready. But it is too tall for me, also, right now, doll. Currently. Yeah, yeah, yeah. yeah. And it is only on one side of uh, stand. For you, it's definitely gonna be too tall. Yeah, it feels like like when I was driving the third part. Yeah, and this yeah. is heavier than that one, so it can be risky for you. Your other yes. foot would not be able to touch. Oh, no, never. Very far. Never yeah. both at the same time, for sure. Yeah. ये क्या? दूर हो तो क्या? मेरे को ब्रो चलिए आइए फिर एक क्या चार डल रहे हैं एक की अदरक डाली हुई है, डली <laughs> है अब जिस सिचुएशन सुनो मेजर अपडेट अब चक्कर ये है कि अगर हम अगस्त के पहले हफ़्ते तक मोटर होम लेके ना पहुंच पाए यूरोप तो ऑलमोस्ट कोई फ़ायदा नहीं है जाने का क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तीन महीने हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ठंड होनी शुरू हो जाती है और विंटराइज मोटर होम की दिक्कत रहेगी प्लस यूरोप का ये लॉ है कि एक दिन से ज़्यादा आप वहां पर एक स्ट्रेच में नहीं रह सकते उसके बाद आपको एक दिन बाहर जाना पड़ेगा तो विंटर में हमें मोटर होम फिर स्टोर करना पड़ सकता है तो इसीलिए यही तीन महीने हैं हमारे पास और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मोटर होम जुलाई बारह तक यहाँ से निकल जाए जो कि वही शिप है जो कि हमको सूट करती है और वो शिप चलेगी हेलीपैक्स से या तो बेल्टम और यूएसए से चलती है मगर वो भी हेलीफैक्स होती हुई जाती है और बारह तारीख को उसमें चढ़ाने से मोटर होम पहले हमें सात तारीख तक होम वहाँ पे पहुँचा के उसको देना है वो भी बैटरीज डिसकनेक्ट करके प्रोपेन वगैरह सब हटा के मगर अब सिचुएशन ये है कि होम तब तक नहीं जा सकता जब तक उसका टाइटल नहीं आ जाता मेरे को लगा था कि प्लेट्स आने से काम चल जाएगा और यहाँ पे प्लेट्स लाइसेंस प्लेट आने का मतलब भी हम एक तरीके से हमारे इंडिया की तरह ही हैं कि आर हो गई आर आ गई समझ रहे हो मगर आर सी यहाँ पर टाइटल को बोलते हैं और मेरे को वकील ने ये तो कहा था कि आपकी प्लेट्स आने के लिए जो है चार से छः हफ्ते लग जाएंगे प्लेट उसने मंगवा दी और उसने किस तरीके से धक्का लगा के मोटरसाइकिल की प्लेट भी जल्दी एक्सपराइट करवा के भिजवा दी मगर अब वो कह रहे हैं हाँ जी उसके बाद मेरे को जब वो प्लेट आई तो मैं लाई कि इन सिक्स वीक्स छः हफ्तों में आपका टाइटल रेडी हो जाएगा मैं हिल गया देख के मैं कहा छः हफ्ते कहाँ से भैया फिर मैंने उसको बोला एक्सपेडाइट करवा कुछ भी करके जल्दी दे क्योंकि जब मैंने शिपिंग कंपनी से लिस्ट मंगवाई थी तो उसके अंदर हमेशा ये लिखा होता था कि बड़ा बड़ा कैपिटल बोल्ड करके लिखते थे कि ओरिजिनल टाइटल

रो रो शिप्स होती हैं रोल ऑन रोल ऑफ जिनके ऊपर गाड़ियां चल के आती हैं दे आर नॉट लाइक क्रूज शिप्स कि उनकी डेट तारीख डिफाइंड है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं ये शिप पहले जो है यूएसए से बाल्टेमोर्स न्यूयॉर्क से चलेगी बाल्टेमोर जाएगी फिर बीच में कहीं और जाएगी फिर हालीफैक्स जाएगी वहाँ से लेवरपूल जाएगी यू के से जर्मनी जाएगी हैम्बर्ग और वहाँ से पहुँचेगी ऑन्टवर्क यूरोप में बेल्जियम से जहाँ से उसको उठाना तो इसमें कहीं भी उसमें डिले आ सकता है और चलने में भी सात से दस पंद्रह दिन बीस दिन कहीं भी डिले हो सकती है तो अगर बारह जुलाई के को भी मैं लेता हूँ उसमें भी अगर डिले ऐड हो जाता है तो वो डिले अगर 10 दिन का होता है तो मेरे को अगस्त 15 तक वहाँ पे मोटर होम मिलेगा नहीं और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इंश्योरेंस वगैरह की भी क्योंकि अब अगर मोटर होम मैं वहाँ पहुँचा दूँ और उसको मैं छः महीने वहाँ पर सर्दी में ही स्टोरेज में रखूँ तो उन छः महीने का मेरे को यूजलेसली इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा क्योंकि हालांकि मोटर होम सड़क पर तो नहीं चलेगा मगर अगर उसको पड़े पड़े वहाँ पर स्टोरेज में आग लग गई वहां से जाए। चोरी हो गया तो गया और इंश्योरेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस यूरोप की गाड़ी ना हो रहा आप बाहर से यूरोप में लेके जाओ या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में तो इतना महंगा है इतना महंगा कि यहाँ पे साल का इंश्योरेंस इतना है उतना एक महीने का इंश्योरेंस है तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम पूरे साल का यूजलेसली पे करें या उन महीनों का जो यूरोप में गाड़ी नहीं खड़ी होगी क्योंकि अगर मैं उसको ईस्टर्न यूरोप ले जाऊं तो वहां की कंट्री का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा पंगा यह है कि वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज तो इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं मगर ईस्टर्न यूरोप में वो ना चोरी कवर करती हैं ना कुछ और क्योंकि वहां चोरियाँ होती बहुत ज्यादा तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बट अब चक्कर यह है कि मैं चाहता हूँ कि मोटर जब हम लेके जाए तो तीन महीने हम उसको पूरा यूज कर पाएं उन तीन महीने का इंश्योरेंस पे करें उसके बाद उसको यूरोप से बाहर निकाल के किसी और कंट्री में स्टोर कर दें जहां पर स्टोरेज कम इंश्योरेंस कम हो तो वो मेरे को होता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है अगर हमारे पास ना आ पाई टाइम पे hmm. टाइस तो, तो। क्योंकि जल्दबाजी में इसको भेजना बहुत रिस्की हो सकता है और क्योंकि वहां पहुंचने के बाद भी पंद्रह बीस दिन हमें लगेंगे एटलीस्ट ये फिगर आउट करने में कि भाई वहां के प्रोपेन के सिस्टम अलग हैं बिजली के सिस्टम अलग हैं कैंप्राउंड के सिस्टम अलग हैं लॉ अलग हैं क्या चीज़े क्या चीजें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को घबराहट हो रही है इस चीज को लेकर बट मैंने बुक करा दी है बारह तारीख की बुकिंग कर दे क्योंकि इस शिपिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें कैंसिलेशन फ्री होती है।, है जब तक आपकी चलनी जाएगी बोट यहां से तो तो जब तक आप लोड नहीं करोगे तब तक आपको इन्वाइसिंग नहीं होगी तो उन्होंने मेरा स्लॉट होल्ड कर लिया है कि बारह तारीख को बारह जुलाई को हेलीपैग से शिप चलेगा उससे पहले अगर ओरिजिनल टाइटल आ गए तो, तो मोटर होम जा सकता है मगर अगर नहीं आए तो नेक्स्ट शिफ्ट की वेट करनी पड़ेगी और अगर नेक्स्ट शिफ्ट की वेट करनी पड़ी और उसमें हमने स्कोप रखा उसके डिले होने का तो हम अगस्त के एंड तक पहुंच जाएंगे तो सिर्फ दो महीनों के लिए मोटरहोम इतने पैसे लगा के भेजना क्योंकि शिपिंग की कॉस्ट भी तकरीबन पाँच लाख रुपए के आसपास होगी हाँ यार तो ये तो कुछ ही नहीं, yeah. नहीं। पता और तो मम्मी अगर देखो वहां जाके तीन चार पाँच महीने छः महीने अगर उसको साल आप वहां रखते हो यूज़ करते हो तो बहुत कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू वॉट वी वुड पे टाइम वी विल सेव कॉन्टेंट विल बी एबल टू जनरेट होटल की कॉस्ट वगैरह सब मिला के बट इंश्योरेंस बहुत महंगा है और इंश्योरेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यूरोप की अगर हम यहाँ से लेते हैं तो थर्ड पार्टी तो आपको चाहिए ही चाहिए मगर अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो तो उस इंश्योरेंस की प्रॉब्लम ये है कि वो पड़ता है इस हिसाब से कि पहला महीना सबसे महंगा दूसरा थोड़ा कम महंगा तीसरा कम उससे कम महंगा चौथा उससे और कम महंगा तो अगर हजार यूरो के आसपास पर मंथ का इंश्योरेंस पड़ता सत्तर रुपए एक महीने का इंश्योरेंस है यार तू तो बड़े महंगे महंगे काम करता है अरे यहाँ पे आप महंगा और सस्ता नहीं देख रहे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप कितनी तेजी से वीडियोस बना पाओगे कंटेंट बना पाओगे आपका कितना टाइम वेस्ट कम टाइम वेस्ट होगा सोने कपड़े पैक करने इन चीजों में और ओवरऑल के हिसाब से कितना सस्ता पड़ेगा तो तीन महीने से कम इट्स लॉस uh, तीन महीने से ऊपर तो, तो जो लोग कंटेंट नहीं भी बना रहे होते मई जून, जून में नहीं क्यों किया क्योंकि पहले मोटर होम आएगा तो करूंगा पहले एक डिसाइड किया फिर सेंटर ने कहा वो मिला नहीं उस पर रिकॉल आ गई फिर तीसरा फाइनल किया वो करके फिर उसके बाद बढ़िया डील ढूंढना वो आया फिर उसके बाद उसके कागज रजिस्ट्रेशन ये वो तो इसीलिए अभी बहुत कुछ मैंने बुक करा दी है अगर आ गई तो बारह तारीख को जारी है और सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ साथ साथ आपको मैं अपनी ईमेल के स्क्रीनशॉट से वो सब तो दिखाई रहा हूँ और साथ ही ये भी आपको सुनवा भी देते हैं कि आज सुबह मेरी जब उस बंदे से बात हुई है तो उसने क्या I am not very sure about that because they told me three weeks is the earliest that they can do. Okay, so I think what we have to do mm -hmm. is if we go ahead and book you from Halifax, if you do receive it on time, brilliant. If you then we will leave the the next हमने प्लान ऐसा क्योंकि ऊपर जो है ना वो होती है सर्दी और नीचे होती है गर्मी यूरोप में तो हमने ऊपर से शुरू करना था जर्मनी अगस्त सितंबर स्विट्जरलैंड और नीचे ठंड बड़े तो हम गर्म इलाका यानी कि इटली के अंदर आ जाएं ये करने के लिए मगर जब तीसरा महीना खत्म होगा तो उसके बाद मोटर होम को कहीं स्टोर करना भी है तो स्टोर करने के लिए उसको अब अगर मैं क्योंकि हमें यूरोप से तो निकलना तो दूसरी ऑप्शन ये थी कि उसको ले जाऊँ मैं ईस्टर्न यूरोप में अब वहाँ इंश्योरेंस करना पड़ा है और दूसरा ये कि ईस्टर्न यूरोप में कोई इतनी गर्म कंट्री अभी एक देने का ये भी है कि हमारे बहुत सारे यूरोप में रहते हैं और उनको वहां के रूल्स वगैरह का पता है। तो कॉमेंट सेक्शन में हमें कोई ना कोई सजेशन वगैरह भी मिल जाएगी तो आप लोगों को, को पता हो तो प्लीज डू शेयर तो सारी कहानी मोटर होम की पहुंचेगा नहीं पहुंचा वो अलग कहानी है जो ये बड़ी आइटम जानी है इसका क्या इलाज है हाँ इधर भी तो हमने चस्का फूल दे रखा है तो तैयार बैठ के मम्मी अपने कागज पत्ता रेडी करके मैंने लाया के चलो मेरी अपॉइंटमेंट कराने देखो माता जी हाँ। दो ऑप्शन है हमारे पास एक ये है कि अगर मुझे पता है मोटर होम नहीं जाता तो तीन महीने के लिए मोटर होम तो नहीं मगर मोटरसाइकिल तो जा सकती है क्योंकि उसका तो इंश्योरेंस का भी इतना लफड़ा नहीं है स्टोरेज की भी प्रॉब्लम नहीं है अपने भाई लोग वहाँ बहुत हैं किसी के भी घर छोड़ दूंगा नेहा के भी घर छोड़ सकता हूँ समझ रहे हो मोटरसाइकिल की दिक्कत नहीं है तो या तो हो सकता है कि मैं बाइक ट्रिप लगा लूँ यूरोप की अभी दो तीन महीने अच्छा। उसमें तो फिर मम्मी का देखेंगे हम कौन से वाले पार्ट में इंक्लूड करते हैं दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं जाके वहां पे एक महीने के लिए मोटर होम रेंट करूं और रेंट करके कोई एक कंट्री अच्छे से एक्सप्लोर करूं एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और उस एक महीने में पूरा सीख लूं कि वहां पर बिजली का सिस्टम कैसे डिफरेंट है प्रोपेन के अडाप्टर कौन से लगेंगे मैं ब्लैक टैंक क्लीन कैसे करूंगा वहां के लिए मेरे को कौन से बिजली के ट्रांसफॉर्मर चाहिए वहां पे कैंपिंग का सिस्टम क्या है प्राइसिंग क्या है हाईवे के रूल्स क्या है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में मैंने जैसे नेट पर देखा उसमें यह कहते हैं कि अगर आपका मोटरहम साढ़े तीन किलो से अलग है तो आपको ट्रक का रोड टैक्स वाला परमिट लेना पड़ता है अदरवाइज ऊपर चलान बहुत बारी हो सकते हैं कई ऐसे रूल हैं जैसे आप रोड पे उतरते हो तो आपको महीना वेस्ट, वेस्ट, तो रेंट तो पे हम पूरी एक कंट्री को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर लें। वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ से बन जाएगी कि इंडिया से अगर कोई वैसा करना चाहता है और मैं सारे रूल समझ सीख लूंगा ताकि नेक्स्ट सीजन जो है अप्रैल में मोटर होम अपना पहुंचे तो हम पूरे तरीके से रेडियू छह महीने सात महीने खींचने के लिए क्योंकि तब मौसम का डर नहीं होगा तो मैं ईस्टर्न यूरोप भी जा पाऊंगा मामला थोड़ा खटाई में कटाई <laughs> में तो सारे मामले होते हैं पर डिसीजन ठीक है <laughs> सैंट्रा तो मैं सारी कहानी समझा जाऊंगा अंग्रेजी में तो हिंदी में बात करें तो मैं का हम सारे आपस में कर लें मगर एक चीज और भी ये है कि ना अभी इस एक डेढ़ महीने में ना मेरे को अपनी कैपेसिटी एज एन इंडिविजुअल समझ आ गई है कि मैं अकेला मोटर होम ट्रिप टाइप सिनेरियो में हूँ तो मैं कितना कर सकता हूँ कितना नहीं कर सकता एडिटिंग का टाइम मिला के और सारी प्लानिंग और चलते चलते कैंप ग्राउंड कहाँ बुक कराना है कहाँ नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं अकेला हुआ तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सैंड्रा का जा पाना मुश्किल है क्योंकि उसका अभी जो है कुछ काम से रिलेटेड ऐसा चल रहा है कि उसकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि वो अभी मेरे साथ अभी चल नहीं सकती या चलना चाहे भी तो हेल्प नहीं कर सकती अभी जाके उस लेवल तक वरना उसका अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो करना तो मैंने सब अकेला ही है बाकी सवा करोड़ का मोटर हम घर में रखने के तो लिया नहीं है लिया तो इसलिए कि घूम सके मगर जल्दबाजी भी करनी है कि ना करें उसमें सोच रहे हैं कि रियलिस्टिकली जा पाएगा कि नहीं तो अगले सीजन में बट अभी भी कुछ ना कुछ तो करेंगे और बहुत एक्साइटिंग कई तरीके लाइनअप कर रखी है यूरोप की मैंने अगला दिन आ गया जी बस बहुत जरूरी कुछ काम करने निकलने है क्योंकि दिन बहुत कम है यूरोप जाने से पहले अगर मोटर होम शिप कर पाते हैं तो और अगर आपने नोटिस किया हो कि यहाँ पे मेरी पुरानी सोनाटा खड़ी होती थी जो मैं जब शुरू शुरू में क्या आया था तब खरीदी थी मगर कुछ टाइम पहले सैंड्रा ने टोइंग वाले बुला के उसको यहाँ से उठवा दिया और वो चली गई है जंक यार्ड और उसके पैसों का ना चेक मिला है तो वो चेक बैंक डालने जाना है वो भी कितने का मिला आपको बताता हूँ भैया कितने की ली थी कितने की बिकी और कुछ और ज़रूरी काम एक पेंडिंग चीज़ बड़े टाइम से पड़ी है वो भी उठाता रहा ये पता नहीं ने पीछे क्यों अपने टायर उतार के रखे हुए हैं ये शायद विंटर टायर होंगे बाकी सनी ने कहा कि अपना हेलमेट जरूर लेता ही हो तो इसलिए वो भी लेके जा रहा हूं पर पहले कुछ मेजर अपडेट सबसे पहली खबर ये कि मैंने दो शिपिंग कंपनीज के साथ बुकिंग करा दी है और दोनों ने बुकिंग करिए तो वो सेम शिप की करिए और कॉस्ट भी लगभग जो है वो सेम पड़ रही है तकरीबन पाँच हज़ार यू डॉलर क्योंकि थोड़ी सी कीमत बढ़ गई है इन द सेंस फॉर द रीज़न कि मोटर होम का ओवरऑल जो डायमेंशन है ना वो लेंथ एक मीटर से बढ़ गई है मोटर होम के चक्कर में जिसकी वजह से वो पूरी उसकी जो है ना लेंथ ब्रेंथ हेड नाप के उसकी वॉल्यूम नापते हैं तो कॉस्ट बढ़ गई दूसरी चीज़ ये भी कि मरीन इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है विच इज़ लाइक पॉइंट ऑफ द वैल्यू ऑफ़ द व्हीकल यानी कि अगर डेढ़ आप लगा लो लाख डॉलर का व्हीकल है तो टैक्स टूक्स मिला के कोई तकरीबन 800 समथिंग जो है यूएस डॉलर वो पड़ जाती है तो 6000 डॉलर के आसपास खर्चा आएगा इसको भेजने का लॉन्ग टर्म में रिकवर हो जाएगा मगर आपको पता है मोटे मोटे खर्चे इकट्ठे आ जाए ना तो फटती जरूर है मगर पिछले कुछ महीने में मैंने वीडियोस भी रेगुलर डाली है आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी रहा है तो थोड़ा जो है ना दाने इकट्ठे हो गए हैं इस जोगे हो गए हैं हम के चलो आ, कुछ काम कर पाए बाकी कॉस्ट कटिंग तो चली रही है और एक अपडेट ये आया कि एप्पल से फोन आ गया कि मेरी मशीन पूरी तरह रेडी है निखिल को फोन करके बोलता हूँ भाई तू तो उसको उठा तो ले या तो खुद लेके आ जाए फिर उसको कोरियर करा ताकि ऐसी जड़ी लिती है उन्होंने रिटर्न करने जोगे हुई सो स्वागत है जी डाउन टाउन ऑटोवा में जस्ट लेफ्ट ऑन टू मॉल बड़ो आदमी ओके और यहाँ मैं अपनी वो आइटम लेने आया हूँ जो कि मैंने ठीक होने के लिए यूएस जाने से पहले दी थी मगर जब तक वो ठीक हुई मैं निकल चुका था यानी कि मेरे ड्रोन का स्क्रीन वाला रिमोट फाइनली ठीक हो गया एक सौ पैंसठ कनेडियन डॉलर लगे हैं उसको ठीक कराने के और प्लस टैक्स अपने को तो इस घर में जाना है मगर ये लेडी अगर नहीं है तो ऐसा तो लग रहा है पार्किंग की टिकट देने वाली लेडी होती है हो सकता है डिलीवरी नहीं कैनेडा पोस्ट भी हो सकता है चलो चलें क्योंकि मैंने भी टेक्निकली स्पीकिंग नो पार्किंग में लगाई है क्योंकि यहाँ पे ये यह रूल होता है ना कि अगर इस तरफ आप आओगे तो इसी साइड लगा सकते उधर जाओगे क्योंकि सारी गाड़ियों का मुंह उधर है बार बार बताता हूँ यहाँ पे अगर आपने उधर के उस तरफ लगा दी तो तो इसका मतलब ये ये कि आप साइड आए थे आपको टिकट मिल मिल सकती है मिल गया जी वो कहते, इसको ठीक नहीं कर तो रिप्लेस ही हुआ और ब्रांड हुआ है इसको दोबारा लिंक करना पड़ेगा मशीन के साथ मगर क्योंकि ये एप्पल से लगाने की आदत पड़ गई है ना बैंक समर में तो बात ही अलग होती है जी कनाडा की पूरा खिल के बाहर आ जाता है लाल और हरे कॉम्बिनेशन ये राजी बस अपना चेक इसको जमा कराना है अपने ही बैंक में टीडी बैंक चलियो नाश्ता हमारा हो गया घर जो है पूरा साफ सुथरा चमका के, ओ, ओ, गेट शाही वी हैव इट बस ये फाइनल जो है लास्ट सफाई का राउंड चल रहा है सब कुछ कबर्स में ठूस दिया इसको ऐसे कर देंगे बंद बस तैयारी जी जाने वाला ये घर भी बस अलविदा करने का टाइम आने वाला है इसको अपनी तरफ से जो कर सकता था वो मैंने कर दिया दो शिपिंग कंपनीज बुक करा दी अब सब कुछ भगवान के हाथ में पाँच तारीख को मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सात तारीख को हेलीफैक्स पहुँचना जो कि यहाँ से सोलह घंटे दूर है तो दो दिन लगेंगे सात तारीख फ्राइडे है क्योंकि आठ और नौ सैटरडे संडे बंद होगा सब और दस तारीख जो कि मंडे है वो कट ऑफ डे है बारह तारीख को शिप क्योंकि चलनी है उसके बाद आप मोटर होम जमा नहीं करा सकते क्योंकि उनको लोड करना होता है वो खुद चढ़ाते हैं ड्राइव करते हुए तो उसको तैयार भी करना होगा पूरे मोटरहोम को शिपिंग के हिसाब से क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो करने से पहले ले कर जाने है। तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ मगर भगवान की हाथ में है अब कि अगर पाँच तारीख तक टाइटल मेरे हाथ में आ गया तो तो मोटर होम जाएगा और अपने होम पे यूरोप होगा और अगर नहीं आया तो भैया फिर भगवान मालिक है और मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा कि जब भगवान आपको किसी डायरेक्शन में लेके जा रहा हो तो उससे लड़ के डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए तो इसलिए अगर कागज़ आ गया तो भी आप लोगों को पता लग जाएगा नहीं आया तो भैया फिर कुछ ना कुछ और करेंगे बट आप लोगों का सपोर्ट है तो हिम्मत बंद रहती है बंदा थोड़े जो है ना ऐसे रिस्क खर्च काम कर लेता है कि चलो पता है कि भाई पीछे लोग बैठे हैं बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग